हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, इस हफ्ते इंडियन आइडल 12 के कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने के लिए जया प्रदा ने शिरकत की। शो में जया प्रदा ने कई हिस्सों से पर्दा भी उठाया। इस दौरान जया प्रदा ने अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया, जो फिल्म शराबी के दे दे प्यार दे गाने से जुड़ा है। अमिताभ बच्चन के बारे में बात करते हुए जया ने उनकी सार्वजनिक मंच पर तारीफ भी की। जया प्रदा ने बताया कि आखिर क्यों अमिताभ ने पॉकेट में हाथ डालकर डांस किया था। जया कहती है, ये एक पैपी सॉन्ग है, इसके पीछे अमित जी की कहानी है। उन्होंने बताया, दे दे प्यार दे गाने में अमिताभ बच्चन को काफी एक्टिव दिखना था। वहीं अमित जी लीजेंड है और उनको अपनी स्थिति का किस तरह से फायदा उठाना है ये आता है। इस गाने की शूटिंग के कुछ वक्त पहले ही उनके हाथ में एक पटाखा फट गया था और हाथ जल गया था। इसको स्टाइल के नाते उन्होंने अपना हाथ जेब में रखकर और रुमाल रखकर गाना कर दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि रोमांटिक सीन में धर्मेंद्र की हालत कैसी हो जाती थी। इसके साथ उन्होंने इस शो पर कई ऐसी बातें की जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग ठहाके लगाते नजर आए। दरअसल शो के होस्ट ने जब जया प्रदा से पूछा कि कौन से एक्टर के रोमांटिक सीन में सबसे ज्यादा पसीने छूटते थे, इस पर जया ने कुछ सोचने के बाद धर्मेंद्र का नाम लिया। उन्होंने कहा, धर्म जी हीरो से ज्यादा मुझे दोस्त नजर आते हैं, लेकिन वो जो रिहर्सल में करते वो टेक में नहीं होता था, क्योंकि टेक में वो कुछ और करते थे। इसके बाद जब होस्ट जब भानुशाली ने पूछा, इनमें से आपको कौन से को स्टार सबसे ज्यादा कंजूस था, इस सवाल पर जया प्रदा ने सीधे नाम लेने के बजाय सिर्फ इतना कहा, खामोश, जो कि अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा फिल्मों में बोलते दिखाई देते थे।